सामने आया उत्तर प्रदेश बिजली विभाग का काला सच। खुद बिजली विभाग के कर्मचारी ने बताया कैसे करते हैं बिजली विभाग के लोग अवैध वसूली। विद्युत उपकेंद्र पडरौना के अंतर्गत शहर के एक संविदा लाइनमैन से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लाइनमैन जेई और एक्सियन का नाम लेते हुए कह रहा है कि पैसे नहीं मिलने पर जेई का ईगो हर्ट हो जाता है और वो FIR तक करा देते हैं। पडरौना विद्युत उपकेंद्र पर संविदा पर तैनात संतोष मिश्रा से संबंधित पिछले दो दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पडरौना विद्युत उपकेंद्र पर तैनात संतोष मिश्रा लगातार ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि किस तरीके से जेई और एक्सियन उसे बार बार मजबूर करते हैं कि उसे पैसे वसूल के लाने हैं। पैसे वसूल के नहीं लाने पर उनका ईगो हर्ट हो जाता है और वो FIR तक करा देते हैं। वीडियो में जो आरोप संतोष मिश्रा जेई और एक्सियन के ऊपर लगा रहा है, उन आरोपों की बिना जांच किए, बिना उस आरोपों के ऊपर कोई भी संज्ञान लिए सीधा सीधा संतोष मिश्रा को वहां से हटा दिया गया है। लेकिन जिन बड़े लोगों का नाम इस पूरे प्रकरण में आ रहा है, उनके नाम के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। किसी की भी कोई जिम्मेदारी वहां तय होती नजर नहीं आ रही है। कहा जाता है कि समुद्र में बड़ी मछलियां हर बार छोटे मछली का शिकार करती हैं और हर बार जब इस तरीके के भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं तो हर बार जो बड़े अधिकारी हैं वो छोटे अधिकारियों को चारा बनाकर उन्हें जाल में फंसा देते हैं और अपने नाम के ऊपर से जो भी कार्रवाई होने वाली होती है उसे हटा लेते हैं। ऐसे में बिजली विभाग के इस कर्मचारी का ये जो वीडियो है और ये जो आरोप है, ये पूरे बिजली विभाग के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बिजली विभाग में ये जो पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है और ये जो पूरा सिस्टम है, जो उत्तर प्रदेश बिजली विभाग का पूरा सिस्टम है, वो किस तरीके से करप्शन में डूबा हुआ है। फिलहाल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एक्सियन पडरौना ने इस लाइनमैन को पद से हटा दिया है। उसी एक्सियन ने जिसका नाम संतोष वर्मा बार बार ले वीडियो में ले रहा है कि एक्सियन साहब उसे मजबूर करते थे कि उसे पैसे वसूल कर लाने हैं, उसी एक्सियन ने उस लाइनमैन को सस्पेंड कर दिया है और अपना नाम जो कि संतोष मिश्रा बार बार वीडियो में ले रहा है, उनके नाम के ऊपर कोई भी कार्यवाही कहीं से भी होती दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में जो बिजली विभाग के बड़े अधिकारी हैं या उत्तर प्रदेश सरकार के भी लोगों को ये जिम्मेदारी है कि संतोष मिश्रा जो ये बातें वीडियो में कह रहा है उसकी भी सत्यता की जांच होनी चाहिए। और अगर संतोष मिश्रा को सस्पेंड किया गया है तो ये जो अधिकारी हैं इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनका नाम संतोष मिश्रा लगातार वीडियो में ले रहा है। आपको तो पसंद हो, इनके हाथ में रहता है आदमी और दवा का, अब इनके ऊपर अधिकारी है वो भी संज्ञान में है, कहाँ कहाँ अब वो अकेले तो रखेगा नहीं, वो भी अगला ये ही है संज्ञान है हम कहाँ कर फलकने में बातले में कितने टाइम लगी लेकिन हम लोग कोई दबाव आप आपको तो पसंद हो, इनके हाथ में रहता है आदमी और दवा का, अब इनके ऊपर अधिकारी है वो भी संज्ञान में है, कहाँ कहाँ अब वो अकेले तो रखेगा नहीं, वो भी अगला ये ही है संज्ञान है हम लोग लेकिन सिस्टम में कहाँ कर फलकने में बातले में कितने टाइम लगी और आपको की बता दे रहा है, अगर नहीं हो पाएगा तो FIR हो जाएगा, ये भी जान लीजिए निश्चित जान लीजिए, उसका ईगो हर्ट होता है, पहला सब कुछ चीज़ें मेरा ईगो हर्ट होता है, ईगो हर्ट होगा ना फिर करा तो पढ़ने को उसको दे अब डाल के दूसर क्यों जन बाकी नारिया का मन वहाँ ओए ओए बटवा जा मंत्रलो अच्छा हाँ पता नहीं जी 100% जिम्मेदारी श्रीकांत।